हमने अब तक एलियंस या यूएफओ को साइंस फिक्शन से जुड़ी फिल्मों में देखा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का यह दावा है कि एलियंस का अस्तित्व सच में मौजूद है और वह पृथ्वी पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और इसी वजह से हमें अक्सर यूएफओ दिखते रहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने द लेट लेट शो विथ जेम्स कार्डन में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं और आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं diladdu.com। तो ओबामा ने शो में क्या बताया? ओबामा ने शो में बताया कि बचपन से ही मैं इन विषयों को लेकर काफ़ी उत्साहित रहा हूँ। वहीं 2008 में जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो एलियंस और बाकी रहस्यमय विषयों को लेकर उसको जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। मैं उन लैब्स के बारे में जानना चाहता था जहाँ पर एलियंस और उनकी उड़ंत स्थलियों को रखकर शोध किया जाता है। इसके बाद इस बात से पर्दा उठाते हुए ओबामा कहते हैं कि ऐसी कोई भी लैब्स नहीं है जहाँ पर एलियंस या कहे तो यूएफओ को रखा गया हो। ये सब बातें अफवाह थी। हालांकि एक बात जो सच है वो ये है कि ऐसी कई सारे वीडियो फुटेज हमारे पास है जिसमें अंतरिक्ष में कई सारे यूएफओ को उड़ते देखा जा सकता है। हमने इसका पता लगाने के लिए कई सारे शोध किए पर इनके विषय में हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी शो में ओबामा ने यह भी कहा कि रिसर्च के बाद भी हम इन यूएफओ के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। ये कैसे उड़ते हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये किन चीज़ों से बने हैं, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमें अब तक नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ हमने ऐसी कई उड़ंत स्थलियाँ अमेरिका के मिलिट्री बेस के पास देखी हैं जो अमेरिका के सैन्य बेस को हैरेस करने की कोशिश करती हैं। ओबामा आगे कहते हैं, हम अब तक इन रहस्यमय उड़ंत स्थलियाँ या कहे तो यूएफओ के पैटर्न्स को नहीं समझ पाए हैं। तकनीक और स्पीड के मामले में ये अमेरिकी सेना से कहीं ज़्यादा आगे है। अंत में बराक ओबामा ने यह भी बताया कि हालांकि मेरे पास इन गतिविधियों को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं है लेकिन ये काफ़ी गंभीर विषय है, इन सभी चीज़ों पर जांच करने की ज़रूरत है। हाल ही में कुछ समय पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा कुछ यूएफओ के वीडियोस फुटेज जारी किए गए थे। इन वीडियो फुटेज को जारी करते हुए उन्होंने लिखा था कि ये रहस्यमय चीज़ें क्या है, इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। इसके अलावा अमेरिकी नेवी लेफ्टिनेंट रायन ग्रैप्स ने भी 2015 से 2017 के बीच रहस्यमय यूएफओ को देखने का दावा किया था। इस पर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि उन्हें ये रहस्यमय उड़ंत स्थलियाँ वर्जीनिया के बीच के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र के आसपास नजर आई थी। बाकी आपका क्या राय है उड़ंत स्थलियों के बारे में, आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।